हाईवे पर चलती कार आग का गोला बनी। दरअसल पागबड़ा में गुरुवार देर रात हाईवे पर चलती कार में आग लग गई। थोड़ी ही देर में आग ने बहुत तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया। चालक ने कार रोककर किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। यह सब देखने के लिए आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उसके बाद फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया। आग पर काबू पाने के बाद पुलिस ने कार को हाईवे से हटवाया और यातायात को सुचारू रूप से चालू किया। दरअसल थाना क्षेत्र के गांव लोधीपुर राजपूत के पास हाईवे पर पुल के ऊपर अमरोहा जिले के थाना डिडोली के गांव ढकिया चमन निवासी केफर पुत्र तहसीन गांव से अपनी रिश्तेदारी संभल में जा रहा था। जैसे ही वह सीएनजी पंप से निकलकर लोधीपुर राजपूत पुल के ऊपर पहुंचा, तभी शॉर्ट सर्किट से आग की लपटें उठनी शुरू हुई। जब तक कुछ समझ में आता तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। कार चालक ने किसी तरह कार रोक कर कूद कर अपनी जान बचाई। कार हाईवे पर धू-धू कर जलने लगी। जलती कार को देखने के लिए लोगों की वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर किसी तरह काबू पाया। इसी बीच थाना क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर लोकेश कुमार अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए। हाईवे को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया जिससे कहीं कोई घटना और न घट जाए। आग पर काबू पाने के बाद यातायात को सुचारू रूप से चालू किया गया।